I gave you my heart. हाय एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में आपको सबसे पहले स्टिक फिगर बनाना सिखाया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि रोबोटिक फिगर कैसे बनाते हैं, और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने सोचा आपकी रोबोटिक फिगर पर मैं आज और प्रैक्टिस करा देती हूँ, ताकि आप जहाँ भी थोड़े बहुत कहीं पर भी कन्फ्यूज होंगे सो आपकी वो कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए और आप इसको बहुत ही अच्छे से बना सकें। सो सबसे पहले हमें एक स्टिक फिगर ड्रॉ करना होता है, और जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को स्टिक फिगर फिर से समझाया था, उसमें मैंने बताया था कि आप इस तरह से जो अंडरलाइनिंग है ये ना करके आप डायरेक्ट जो है वो सर्कल्स ड्रॉ करके रोबोटिक फिगर जो है वो बना सकते हैं। पर मुझे इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट आई है कि आप इस तरह से भी बताइए, सो मैंने सोचा ओके ठीक है, चलो इस तरीके से भी मैं बता देती हूँ। सो जो हमारी स्टिक्स होती हैं उनको पहले ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर हमें जॉइंट्स हैं हमारे बोन्स के, जहाँ पर हमें इस तरह के जॉइंट्स दिखाने होते हैं वहाँ पर हम सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। सो वही सेम रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, और बस यही स्टिक्स जो है वो उस दिन मैंने आपको ड्रॉ करके नहीं समझाई थी, मैंने सोचा था आप लोग को समझ में आ जाएगा, बट जिनको भी डाउट है उनको आज ये वीडियो देखने के बाद वो भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें एक स्टिक फिगर बनाना है, उसके बाद उसको इरेज करना है, फिर उसके बाद अगेन आपको इस तरह से स्टिक्स ड्रॉ करनी है विथ सर्कल, सर्कल आपको वहाँ पे ड्रॉ करनी है जहाँ पर आप जॉइंट शो करना चाहते हैं। सो मैंने ये सब आपको समझा दिया है, अब हम इसको जो है जहाँ जहाँ पर हमें सर्कल्स देने हैं उसको भी मिलाते हुए, जैसे इस तरह से हमारा जो हिप पोर्सन है वहाँ पर हमें जो पार्ट्स हैं उनको भी ड्रॉ करना होता है। सो इस तरह से हम सबसे पहले हमारा जो हिप पोर्सन है उसको इस शेप में जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ के जो दोनों थाइज़ हमारी होती हैं जहाँ से हमारे जो पैर होता है उसका जॉइंट होता है, सो वहाँ पे भी हम इस तरह से दो सर्कल्स जो है ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से इसको आपस में मिलाते हुए हम जो है इसकी जो शेप है वो भी ड्रॉ करेंगे। और इसको प्रॉपर ड्रॉ करने के बाद भी हमको क्या करना होगा, इसको फिर से इरेज करना होगा। सो यही प्रोसेस मैंने उस वीडियो में जो है वो स्किप की थी, ताकि फिर से आपको इरेज करके ना दिखाना पड़े। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं दो फिगर जो है रोबोटिक आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो वो क्लियर हो जाए, और डिफरेंट डिफरेंट की पोजेज में आपको किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वर्क करना है वो भी आपको समझ में आ रहा है। सो ये दोनों पोजेज जो हैं वो अलग अलग हैं, और ये दोनों पोजेज ही आपको बनाकर मैं आज की इस क्लास में दिखाने वाली हूँ। सो जब आप इसकी स्टिक्स विथ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं फिर आप इसको इरेज कर देंगे, और इरेज करने के बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे रोबोटिक फिगर में। सो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेंगे, और इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं फैशन इलस्ट्रेशन से रिलेटेड, पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड, गारमेंट मेकिंग से रिलेटेड, जो भी फैशन डिज़ाइनिंग के टॉपिक हैं, आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है उन सभी रिक्वेस्ट को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए वीडियोज़ जो है वो लेकर ज़रूर आती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आपको लगे कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है सो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप रोबोटिक फिगर में अच्छे हो जाएंगे तो फिर आप डायरेक्ट इसको स्टिक फिगर से ही डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फिगर में, और डायरेक्ट इसकी फ्लैशिंग कर लेंगे जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे रोबोटिक फिगर में। सो आपको किस तरह से मूवमेंट जो है वो ड्रॉ करने हैं वो आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कहाँ पे आपको किस तरह से पेंसिल को मूव करना है, कहाँ स्लाइटली मूव करना है, कहाँ स्ट्रेट मूव करना है, इसी वीडियो को आप बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा।
सो आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आई हो, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड स्टिल आपको कोई डाउट या क्वेश्चन क्वेरी है सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।